स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत हमारे चैनल पे। देखिए हमारे यहाँ दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्षों में जो तिथियाँ जो पड़ती हैं, कृष्ण पक्ष में जो आखिरी तिथि पड़ती है वो अमावस्या होती है, और शुक्ल पक्ष की जो आखिरी तिथि होती है वो पूर्णिमा होती है। तो वैसे तो प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या पर्यंत या प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा पर्यंत जितनी भी तिथियां हैं सबका अपना अपना एक महत्व तो है, हर तिथि का महत्व तो है, हर तिथि के देवता हैं, हर तिथि के स्वामी हैं। और साथ में ऐसा भी होता है कि किस तिथि में कौन सा नक्षत्र या कौन सा योग पड़ जाए, कौन सा नक्षत्र पड़ जाए या कौन सा दिन पड़ जाए तो क्या योग बन जाता है, बहुत सारी बातें हैं, बड़े विस्तार का विषय है। लेकिन जैसे जो अमावस्या तिथि जैसे पितरों के निमित्त बहुत खास होती है, ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि इस दिन पितरों के निमित्त पितरों से संबंधित कोई भी कार्य किया जाए तो उस दिन सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है अमावस्या के दिन, क्योंकि अमावस्या तिथि के स्वामी जो हैं वो पितर। इसी तरह जो पूर्णिमा तिथि हमारी है, पूर्णिमा तिथि का भी अपने आप में एक बड़ा विशेष महत्व है, और बहुत सारे लोग इस दिन कोई विशेष पूजा अर्चना, विशेष पूजा पाठ या विशेष आयोजन प्रयोजन करते भी हैं। पूर्णिमा के दिन जो भी कार्य किया जाता है वो कार्य जो है सबसे ज़्यादा संतुष्टि देने वाला होता है, संतोषजनक होता है। कारण कि पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा की कलाएं हैं वो चंद्रमा अपनी कलाओं से 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और चंद्रमा ही मन का कारक है। तो इस दिन जो भी कुछ कार्य किया जाता है भले ही वो छोटा कार्य हो, लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी कुछ किया जाए तो उससे परम संतुष्टि की प्राप्ति होती है। आज इसी पूर्णिमा के विषय में हम बात कर रहे हैं, आ रही है आगामी 23-24 तारीख को माघ की पूर्णिमा पड़ रही है। माघी पूर्णिमा यानी उस दिन रविदास जी की जयंती भी होती है, माघ पूर्णिमा को ही प्रत्येक वर्ष मनाई जाती है रविदास जी की जयंती। तो माघ पूर्णिमा इस बार 24 तारीख को है, स्नान दान का जो महत्व है इस बार 24 तारीख को होगा, और जो पूर्णिमा का जो व्रत होगा तो व्रत में चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा का महत्व होता है, चंद्रोदय व्यापिनी पूर्णिमा को ग्राह्य किया गया है, तो इसलिए जो व्रत होगा वो 23 फरवरी को होगा और जो स्नान दान होगा वो 24 फरवरी को होगा, क्योंकि 23 फरवरी को ही संध्या काल के समय दोपहर बाद यानी अपराह्न में लगभग 3:30 बजे पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो जाएगी, और 24 फरवरी को शाम को लगभग 5:30 बजे समाप्त हो जाएगी। तो चूंकि 5:30 बजे समाप्त हो जाएगी तो चंद्रोदय के समय पूर्णिमा व्याप्त न होने से व्रत में जो है या चंद्रमा की पूजा में चंद्रोदय व्यापिनी को महत्व दिया गया, इसलिए 23 फरवरी को इसका व्रत होगा और 24 तारीख को स्नान दान होगा। पूर्णिमा तिथि में जो पूजा की जाती है वो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी यानी लक्ष्मी जी और नारायण जी की पूजा की जाती है, और दूसरा जो पूजा की जाती है वो चंद्रदेव की। तो इस दिन पूजा विशेष रूप से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और चंद्रमा की पूजा करनी चाहिए, विष्णु भगवान को एक चौकी पर माँ लक्ष्मी के साथ विराजमान करके पीले कपड़ों के, पीले वस्त्र के ऊपर, पीले आसन के ऊपर, और उनकी यथा उपलब्ध उपचार से पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें और लक्ष्मी जी के स्तोत्रों का या उनके मंत्रों का या विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करें। ऐसा करने से कभी भी परिवार में किसी प्रकार की असंतुष्टि नहीं होती है, कलह क्लेश नहीं होता है,
और धन धान्य की प्राप्ति भी होती है। यानी अगर किसी को आर्थिक कैसा भी आर्थिक संकट हो तो वो दूर हो जाता है। साथ ही उदयकालीन उदय होते हुए चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। ऐसा करने से अगर किसी की कुंडली में चंद्रमा का दोष है तो वो भी समाप्त होता है। साथ में अगर मान लिया चंद्रमा के नीच होने के कारण, चंद्रमा के सबल न होने के कारण, या चंद्रमा के दोष के कारण, चंद्रमा पीड़ित होने के कारण किसी व्यक्ति को कोई व्यवधान हो रहा है, मानसिक स्थिति नहीं ठीक रहती है, या निजी संबंधों में उतार चढ़ाव चलता रहता है, तो उसके लिए उस व्यक्ति को उस दिन पूर्णिमा का व्रत करके रात्रि में उदयकालीन उदय होते हुए चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए और उनके मंत्रों का जप करना चाहिए। ऐसा करने से संतुष्टि भी प्राप्त होती है और आपसी मतभेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा ही मन का कारक, मन का संचालन जो करता है वो चंद्रमा करता है। तो इस दिन विशेष रूप से अच्छा। इसके अलावा इस दिन सफ़ेद वस्तुओं का दान, जैसे चीनी है, चावल है और शंख आदि है, खीर बना करके या चांदी दान करना चाहिए, खीर का भोजन बना करके उसको भी दान करना चाहिए, चावल चांदी और शंख सफ़ेद वस्त्र आदि का दान करने से भी संतुष्टि प्राप्त होती है और घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसके अलावा जैसे श्री सूक्त का पाठ है, लक्ष्मी सूक्त का जप है, या उस मंत्र से यज्ञ करना है, या विष्णु भगवान के मंत्रों का जप करना चाहिए और चंद्रमा के मंत्रों का जप करना चाहिए, और उन्हीं से अगर यज्ञ आदि करना है तो वो उन्हीं के मंत्रों से करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, पूर्णिमा तिथि में अन्नदान और गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी है, यहाँ तक कि अगर कोई रोग आदि की भी दिक्कत है, तो उस व्यक्ति को इस दिन पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन गंगा के जल में जो है भगवान विष्णु का वास होता है, और गंगा स्नान करने से तमाम प्रकार के असाध्य रोग भी नष्ट हो जाते हैं और शरीर पुष्ट होता है, मन को संतुष्टि, मनः संतुष्टि होती है। और अन्नदान करने से भी, क्योंकि अन्न में भी अन्नदान करने से भगवान विष्णु का विशेष रूप से आशीर्वाद मिलता है, ऐसा कहा गया। और वैसे भी माघी पूर्णिमा जो है, जो गंगा स्नान का जो अंतिम पर्व है, यानी पौष पूर्णिमा से लेकर के और माघ की पूर्णिमा तक, इस बीच में गंगा स्नान के दृष्टिकोण से, गंगा स्नान करने के उद्देश्य से कई ऐसी तिथियां हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें इसी बीच में जो है मकर संक्रांति होती है, इसी बीच मौनी अमावस्या होती है और इसी मध्य में वसंत पंचमी होती है। तो जो ये अंतिम जो स्नान है माघ पूर्णिमा का, ये गंगा स्नान का, माघ स्नान का अंतिम जो है पर्व है। तो इसलिए माघी पूर्णिमा का अपने आप में बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है। तो कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी प्रकार की परेशानियों से ग्रसित है, अभावग्रस्त है, चाहे वो आर्थिक परेशानी हो, चाहे शारीरिक परेशानी हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, तो उसके लिए उस व्यक्ति को इस दिन, कई लोग जो है नियम पूर्वक भगवान सत्यनारायण की कथा भी करते हैं, कई लोग पूर्णिमा के व्रत की कथा करते हैं, तो एक बार पुनः इस बार जो है व्रत के लिए पूर्णिमा का जो पर्व है वो 23 तारीख को है, और जो स्नान दान का जो महत्व होगा वो 24 तारीख को होगा। और रवि योग और शोभन योग भी, बड़े दो सुंदर योग भी पड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से और भी ये पर्व, ये तिथि जो है खास हो रही है। और इन तिथियों को, पूर्णिमा को पर्व तिथि भी कहा गया है। तो सामान्य पूर्णिमा में भी इस दिन जो है पर्व जैसी स्थिति होती है, अगर इस दिन कुछ भी दान किया जाए तो अन्य दिनों की अपेक्षा दान से, स्नान से या पूजन पाठ से जो फल सामान्य दिनों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए
24 तारीख को या 23 तारीख को जैसा भी सुविधा हो उस अनुसार से इसका लाभ जरूर लें और इसमें व्रत करें, स्नान दान करें और उसका लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।